नहीं भाई सलाम। क्या हरिक भाई, आज नया क्या है? आज क्या नया, वो क्या परसों में क्या बोल रहा था, फायर ब्रिगेड वाला, फायर ब्रिगेड वाला बेचारा कहीं से आग बुझा के थका मांदा घर पहुंचा। देखा तो उसकी बिल्डिंग की बत्ती गई हुई थी। इस तरह घर पहुंचा, देखा उसकी बीवी सोई हुई थी। इसने कहा सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, बहुत थका हूँ। इसके सोते ही बीवी ने कहा, जानू मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कहीं से दवाई ला दो। और ये दवाई लेने के लिए स्टोर चला जाता है। मेडिकल स्टोर वाला कहता है, शर्मा जी आप तो फायर ब्रिगेड में थे, ये इंस्पेक्टर कब से बन गए? यूनिफॉर्म मेडिकल। मैं नहीं, मैं तो फेसबुक वाला हूँ। फेसबुक वाला है। अरे कम आओ आओ, जूते खोलो। मैं तुम्हें ऑफिस में भी बुला सकता था, बाद में सोचा अरे भाई तुम तो गेस्ट हो तो गेस्ट हाउस ही ठीक रहेगा। वैसे बुलाया क्यों आपने? अपनी मुश्किल आसान करने के लिए। बैठो। डिपार्टमेंट के लिए तुम्हारे दिल में क्या इज्जत है? बहुत इज्जत करता हूं। भाई की तरह या बाप की तरह? बाप ही समझ लीजिए। तो फिर ऐसा काम करके बाप को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं को समझा नहीं। मेरा ये मानना है कि तुम्हारी टीम से अनजाने में या लापरवाही से हो गया। पैसों की रॉबरी में शायद तुम लोगों का हाथ नहीं है, अगर इसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन जरूर है जो तुमने ना दी हो। आपको शायद गलतफहमी हो रही है सर। 13 साल के करियर में आज तक किसी ने हम पे ऐसा आरोप तो नहीं लगाया। पहचान तो इसे, कौन है? बाड़ू नाम है इसका, ड्रग्स का धंधा करता है। मैं नहीं जानता इसको। ये मेरे हाथ लग चुका है, 24 घंटे की मोहलत देता हूं, जो भी सच है बता देना, वरना 7 साल के लिए अंदर जाओगे। चाय अच्छी थी। थैंक यू। अंदर से मिल के आ रहा हूं, उसको शक हो गया हम पे, धमकी दे रहा था। और तू डर गया योगेंद्र सर को देखकर, कांपने लगा। वो बाड़ू है ना ड्रग डीलर, वो उसके हाथ लग गया।
अरे हाँ रॉनी, हाँ रॉनी, चलो भाई काम हो गया है, आप पैसे पहुंच जाएंगे शाम तक, ठीक है? तू 10 रुपए के नोट का नंबर SMS कर देना मेरे को, ओके? इसलिए योगेंद्र धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर मैं रॉबरी केस में कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मुझे ड्रग केस में अंदर कर देगा। अच्छा, तो वो बाड़ू के दम पर इतना नाच रहा। देखो तुम दोनों एक काम करो, जी। सेंटर ऑफ स्टेट के सारे विटनेस प्रोटेक्शन हाउसेस चेक कर लो। चलो काम पे लग जाते हैं, मैं सेंटर संभालता हूँ, तू स्टेट संभाल। ओके। एक बार बाड़ू हमारे हाथ लग गया फिर देख लेंगे। रिलैक्स। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? कोई परेशानी है क्या? तुम अभी सोई नहीं? मुझसे भी अपनी परेशानियों का हिस्सा बांटो। मुझे कोई परेशानी नहीं, बस यही सोच रहा था। I'm fine, पूजा। Relax. आपसे भी ज्यादा आपको जानती हूँ मैं। बाबू मसरी चोरी हो गई। हाँ बोले। गाड़ी पंचर हो गई बाबू। हाँ बाबू पता नहीं लगा कुछ। पूछताछ की। कैंडल मार्च चल रहा है उधर। सब जगह पूछा, कोई आइडिया नहीं। हाँ बाबू अभी तक कर रहा हूँ। धोबी तलाव केस के फोन रिकॉर्ड्स 2-3 नंबर नोट किए मैंने, उनको ट्रैक करके देखता हूँ। हेलो बहु। हाँ एरिक बोल। चोरी की गाड़ी का एक और कंप्लेंट आ गया है। महंगी गाड़ी है और सेम स्टाइल से चोरी की गई है और पक्का एक ही गैंग का काम लगता है। अपन कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं, तू कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। कभी नहीं भाई, कभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग हो तो बोल देने का भाई, ऐसी बात नहीं। देखो बड़ी बात नहीं करता, इन 17 सालों में मैंने बड़े बड़े मैटर हैंडल किए हैं मगर कभी घमंड नहीं किया भाई। हैंडल किया मतलब? हैंडल मतलब हैंडल तोड़ के पूरा काम बजाया गया है एक्चुअली गाड़ी का। अच्छा वो चार बत्ती वाले गटर में जो कुत्ते की लाश बरामद हुई है वो कौन हैंडल कर रहा है? अरे वो केस तो सावन के पास है, वो हैंडल कर रहा है, मेरे को थोड़ी मालूम है। अरे नहीं नहीं यार, उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर की जरूरत है। तू 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 हैंडल कर। अरे बोल। हाँ अपना डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में जितने भी ठिकाने हैं सब जगह चेक किया मैंने, किधर भी बाड़ू का पता नहीं है। मेडिकल क्या रिपोर्ट है? सेंटर के ठिकानों पर भी उसे नहीं रखा गया। मतलब यह हुआ अरे कि है तो सरकारी गवाह लेके एंट्री, कुछ पर्सनल दिया जा रहा है। चलो ठीक है, ओके। गुड। लैंडलाइन से मोबाइल पर जो फोन आता है ठीक 5 मिनट के अंदर उसी लैंडलाइन पर फोन रिसीव भी होता है। मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो हुनर सीखा है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। होने दो। बंदर को नाचना है और मदारी को नचाना है। कैप्टन कैसा है? टेंशन नहीं? बाड़ू का टेंशन है? अरे छोड़ उस चर्सी को यार, ध्यान रखना अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और भाई तेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बाड़ू के पकड़े जाने का मतलब ये नहीं कि वो तुझे गिरफ्तार कर लेगा। पुलिस वाला है तू, तुझे हाथ लगाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। मैं सोच नहीं रहा था, तैयारी कर रहा था। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पहले पक्की करता हूं, हाथ बाद में डालता हूं। ये आप ठीक नहीं कर रहे सर।
कानून से जुड़े लोग होकर पुलिस की कार्रवाई में अड़चन डालने का मतलब समझते हो। कम से कम 4 फीट की दूरी बनाए रखना। चल उड़ जा रे पंछी अब ये चल उड़ जा रे पंछी अब ये चल उड़ जा रे चल उड़ जा रे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप लोग? गेट बैक टू वर्क। तुम्हारा खड्डा भरने का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। नईम को पासी के सेल में ला जाएगा, लेकिन ख्याल रहे उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ उससे लूट के पैसों की बात उकलवानी है। वो मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी तुम जानो। आपको पक्का यकीन है कि पैसा नईम ने है? मतलब यकीन और शक में जरा सा ही फासला है। कोई शक? किधर और ही अटकेला था, इधर डाउट गए ही नहीं। ये पॉइंट छूटा कैसे? मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने उसको जनरल बैरक में डाला तो कैदी उसको छोड़ेंगे नहीं, खास करके मुख्तार। इतना प्रेशर है मुझे ऊपर से कि नईम को उसी बैरक में डालो जहां पे मुख्तार है। ससनकी है उसकी, वो योगांतर की। समझ में नहीं आता क्या दुश्मनी है उसकी हमारे साथ? नईम शेख की पुलिस अफसर है, वो साथी हमारे, उसे कहीं भी आप। मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज शाम तक नईम शेख मेरे कैबिन में रहेगा। यहाँ रहेगा, यहाँ खाएगा, यहाँ पिएगा, आखिरी रोल कॉल तक। उसके बाद मुझे इससे बैरक में डालना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता।